शाहिन शाह अफरीदी नहीं होते फिट, नहीं खेल पाते, लेफ्ट आर्म पेसर्स, क्या लेफ्ट आर्म पेसर्स पे हमारा ट्रस्ट नहीं है और किसी, या डोमेस्टिक में अब मतलब वो उस क्वालिटी के नहीं हैं? मीर हमज़ा, वकास मकसूद, मोहम्मद इमरान जूनियर, आकिफ जावेद, ये कुछ नाम हैं, बट ये क्या ये हमने इनको नर्चर करना बंद कर दिया बिकॉज हम शाहीन पे इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि हमने बैकहेंड पे कोई भी बेंच पे नर्चर करना बंद कर दिया? देखिए, लेफ्ट आर्मर की जहाँ बात है, इट्स अबाउट द बेस्ट बॉलर्स यू हैव। शाहीन की जगह कौन खेला था जो फर्स्ट टाइम हुआ? नसीम शाह खेले। नसीम खेले तो नसीम को नहीं खिलाना चाहिए था, हमें एक लेफ्ट आर्मर को खिलाना चाहिए था, जस्ट बिकॉज कि वन ये लेफ्ट आर्मर। ठीक है, अब जो शाहीन की आप रिप्लेसमेंट की बात करें, इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, उसकी रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक तो आपको दुनियापुरी में नहीं मिलेगी। आर वी नर्चरिंग एनी? मैं ये नहीं कह रही कि प्लेयर्स हैं, अभी आप जिनके नाम ले रहे हैं, स्पेशली इमरान की अगर आपने बात की है, अमीर हमजा की बात की है, ऑब्वियसली दे प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे जेहन में हैं, लेकिन बात फिर ये कि आप कंपैरिजन उनका, ये तो नहीं कि लेफ्ट आर्मर है तो लेफ्ट आर्मर का ही करेंगे आप कंपैरिजन। ठीक है, जैसे एशिया कप में जी, तो लेफ्ट आर्मर के बगैर तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आया नसीम, आया, उसने कमी फील होने दी वहाँ पे आपको, नहीं, नए बॉल्स उसने जिसमें विकटें आपको लेके दी हैं, तो जस्ट फॉर द सेक कि हमें लेफ्ट आर्मर चाहिए, नहीं, फिर मैं कहूँगा टीम की रिक्वायरमेंट, उसमें क्या चीज़ें और भी मैटर करती हैं आपकी, सिर्फ लेफ्ट आर्मर होना या उसके साथ जो आपका कंट्रोल है, आपकी मूवमेंट है, और सबसे बढ़ के आपकी पेस भी मैटर करती है, फिर आप उसको रखते हैं अपने राइट आर्मर्स के साथ। ठीक है ना, आइडियल वर्ल्ड में येस, आप जो बात करिए कि हमारे पास उस तरह का एक लेफ्ट आर्मर होना चाहिए, और हम लगे हुए हैं, जितने लड़के आपने दिए हैं, इसके अलावा और लड़के अभी अंडर 19 से भी आ रहे हैं, कुछ लड़के आपको और जो भी बड़ी टीमों में नजर नहीं मतलब आ रहे हैं। मतलब वो फास्ट ट्रैक नर्चरिंग हो रही है, जिस तरह आपने आकिफ उसके आमिर के लिए कहा कि फास्ट ट्रैक। देखिए, आकिफ को भी देखते हैं, अभी वो गया था हमारी शाहीन के साथ, वो टूर भी करता है, इंजरी के बाद से उसके थोड़े से इशू चल रहे हैं, लेकिन लड़कों पर हमारी नज़र है, तो हम कोशिश हमारी यही होती है कि जितने भी एरियाज हैं, चाहे आपके रिस्ट स्पिनर्स हैं, आपके फिंगर स्पिनर्स हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं या चाइना मैन है, इसमें भी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करके, सम टाइम आपको वो टीवी पे चीज़ें नज़र आ जाती हैं, सम टाइम आपको नहीं नज़र आती, क्योंकि फर्स्ट टीम के मैचेस आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, सेकंड टीम के मैचेस या अंडर 19 के मैचेस वो आपको टीवी पे नज़र नहीं आते। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और होपफुली आगे चल के आपको जो स्पिनर्स का एक फुकदान है उसमें थोड़ी सी आपको बेहतरी नज़र आएगी। ऑब्वियसली एकदम से ये क्विक फिक्स चीज़ें नहीं हो सकती, मैं कहूँगी 6 महीने बाद आपको एक स्पिनर मिल जाएगा, ऑब्वियसली 2 सीज़न लगते हैं इस चीज़ के अंदर। तो कुछ लड़के हमने पिछले साल आइडेंटिफाई किए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, अभी दोबारा फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, हम देखते हैं उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है आगे, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें इस तरह की नज़र आएंगी, लेकिन बात फिर वो आ जाता है कि रेडी प्रोडक्ट आपकी कौन सी है। ठीक है ना, कि इस टाइम पे इज ही रेडी टू प्ले उस रोल के लिए जो हम देख रहे हैं, तो जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो ऑब्वियसली जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं फिर उनकी तरफ जाया जाता है।